खान साहब के साथ तो मेरा नटराज। दोस्तों, इमरान खान के इस कड़े वक्त में एक और पुराना साथी मैदान में आ गया है। जितनी रफ्तार से लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, उतनी रफ्तार से अच्छे खिलाड़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मशहूर एक्टर जावेद शेख ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। जावेद शेख शुरू से ही इमरान खान की हमायत करते हैं, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि इनके कप्तान अकेले हैं और मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, तो इन्होंने फौरन जमान पार्क पे इमरान खान से मुलाकात की। खान साहब के साथ तो मेरा 95 से नटराज। मेरा मतलब है कि शौकत खानम के लिए मैंने आज तक मैं काम कर रहा हूँ। शौकत खानम है, किसी ने कह दिया कि यार मेरे बेटे को लगा दो, चल निकलो। जावेद शेख की मुकम्मल वीडियो दिखाने से पहले आपको ये भी बता दें कि दोस्तों, जावेद शेख ने इमरान खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को माशी तबाही में धकेलने की इजाजत कैसे दे सकती है। सारी कुव्वतें हुकूमत के साथ मिलकर सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने में ही लगी हुई है और मईशत औंधे मुँह तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। जावेद शेख ने मजीद कहा कि ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पीडीएम रहनुमाओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अरबों डॉलर तिजोरियों में महफूज हैं। एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को तबाही में गिरने की इजाजत कैसे दे सकती है। अब मुझे आखिरी उम्मीद सिर्फ इमरान खान में नजर आती है और मैं आखिरी सांस तक इमरान खान का साथ दूंगा। खान साहब के साथ तो मेरा 95 से नटराज। मेरा मतलब है कि शौकत खानम के लिए मैंने आज तक मैं काम कर रहा हूँ। शौकत खानम है, किसी ने कह दिया कि यार मेरे बेटे को लगा दो, चल निकलो। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।